नमस्कार भक्ति जिज्ञासार आउ एक नुआ अध्याय को आपण समस्त स्वागत जनाऊँगी मु सुनैना। आज आम सहित अच्छा पंडित रवींद्र महांति सार। सार नमस्कार, स्वागत जनाऊँगी। नमस्कार नमस्कार। आज मो मन में जो जिज्ञासाटा उंकी मारूँ आशा कर जिज्ञासा को दूर करेंगे उत्तर देवे। आ जिज्ञासाटी हूँ दुर्योधन द्रौपदी का वस्त्र कहीं हरण कर मातृवत पर दारेशु पर द्रव्यु रुष्टवत आत्मावत सर्वभूतेषु जह पश्यन्ति सह पंडित। संसार समस्त नारी जाति होचंते मातृस्थानिया समस्त मातृवत ज्ञान जो मन करंती से मन होचंते संसार विद्वान पंडित। किंतु दुर्योधन थला अहंकारी गर्वांध पापिष्ट जी भरा कुरुराज सभा तले द्रौपदी होची तांकर संपर्क बड़ भाउज मातृसमा तांकु विवसना करिवार अपचेष्टा करिछ विवसना करि परेनि चेष्टा करिछ। जो चर्चित कहानी रो ना भूत अछि ना भविष्यत अछि अतीतर केबे हेइतिला ना भविष्यतर केबे एमिति घटना घटिबो तबे एमिति चर्चित कहानी बा एमिति चर्चित घटना काहें कि घटिला दुर्योधन एमिति काहें कि कला जेतेबेले हस्तिना विभाजन हला भाग भाग हेइगला पांडव मान को भाग दे देवाई भीष्म परामर्श दे खांडव प्रस्तव पांडव को दिगला पांडव मैंने ये खांडव प्रस्त को इंद्रप्रस्तर परिणत कले इंद्रप्रस्तर गोटे अश्वमेध यज्ञ आयोजन कले नौ दिन धरिकी ये यज्ञ को दुर्योधन को निमंत्रण हो नाला किंतु दुर्योधन बिना निमंत्रण जाता भाई को साज्य करने नौ दिन पर्यंत अखिया अपिया रही भाई हिसाब से भातृत्वर कर्तव्य निर्वाह करने हिसाब से जाचिता युधिष्ठिर दुर्योधन को दीटा दायित्व दे भंडार रक्षक एवं अतिथि सत्कार दुर्योधन ठीक भाव परिपालन कला कार्य जिते भंडारू सुना सरीगला अतिथि मैंने बस अतिथि ब्राह्मण वैष्णव मानक सुना देवाई दुर्योधन कहला भाई सुना सरीगला सुना दि युधिष्ठिर कहला नाई ना सुना ना तू तोर कौन करचु कर केवल परोक्ष दुर्योधन को अपमानित करने पांडव मानक षड्यंत्र तेणु दुर्योधन मट्टी छुईक सुनार परिणत कर अतिथि मानक विदाय देता यज्ञ सरीगला यज्ञ शेष दिन द्रौपदी डाकिले कले दुर्योधन जा पुष्करण स्नान कर समस्त आम समस्त बसिक सांग खाइबा भोजन करवा दुर्योधन भारी खुशी होगा जा बड़ भाज अति आदर में कहले जा गाधी आसपाई तेणु गोटे कृत्रिम पुष्करणी या पाखे गोटे प्रकृत पुष्करणी आ गए कृत्रिम पुष्करणी ये दुर्योधन जापारे कृत्रिम पुष्करणी भितर को पशिगला जो पशिगला से बाडे होगा भितर जा पड़गला जो द्रौपदी फेंकने हसी दे कहले अंधाका पुत्र अंध है कथाटा दुर्योधन को बहुत बाधला मो बापा अंध बोली मत अंधपुत्र कौन द्रौपदी द्रौपदी मुश्चित यार बदला ने फेरी आसला आसिक मन मन चिंता कला ये पांडव मान निकट भातृत्व भाव ना जदि प्रकृत मैंने भाई होते हैं मुझे नौ दिन तर दायित्व समस्त कर्तव्य संपादन करके आसली मत कही गोटे खाइबा को कहले शेष द्रौपदी मत अपमान दे कि फेरदेला मु कपट पशा खेल आयोजन कर ये पांडव मानक निश्चित भाव में प्रतिशोध ने तेणु कपट पसार आयोजन है बाजी द्रौपदी को हारे पांडव मैंने जिते द्रौपदी को हारे दुर्योधन कहला छी एम भीरु कापुरुष जो स्वामी स्त्री को बाजी लगाए से स्वामी को केवे पुरुष कहा जाए ना ताको कापुरुष कहा जाए भीरु कहा जाए नपुंसक कहा जाए तेणु पांडव मान पौरुषत्व ना यही कथा परीक्षा करने दुर्योधन द्रौपदी को विवसना कर गोटे उपाय चिंता कर तार लक्ष्य अलग किसी ना शत्रु हूँ कि निज लोक क्या कौटी अपमान करी आम सही पार्बानी तो अगर कहीं आज आपन को बहुत बहुत धन्यवाद सर पुणी किसी नुआ जिज्ञासा नहीं कि भक्ति जिज्ञासा शो मध्यम मुझे आपण पाखे आज समय हो जाए विदाय नापाई आम को विदाय दिंतु रहचु नमस्कार।